हे हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्रम राणा आर्ट्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बनाने वाले हैं वो सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे, स्किन पे हम फोकस करेंगे। स्किन हम कैसे कैसे बना सकते हैं, कौन सा कलर का यूज़ करके पूरा डिटेलिंग कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो होने वाला है एकदम ओरिजिनल स्पीड में होने वाला है। आउटलाइन जब तक बनाएंगे वो ओरिजिनल स्पीड में रहेगा, उसके बाद फिर जब हम कलरिंग करेंगे, कलर ऐड करेंगे, उसके बाद फिर हम वीडियो को फास्ट कर देंगे। क्योंकि अगर हम आउटलाइन के साथ साथ में हम कलर टेक्सचर जब बनाएंगे, स्किन टेक्सचर वो वाला भी वीडियो हम ऐड करेंगे ओरिजिनल स्पीड में, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए हम सोचे कि आउटलाइन का जो वीडियो है वो ओरिजिनल स्पीड में रखें और जो कलरिंग का है वो हम स्पीड करें। 17 से 18 मिनट लगा है मुझे आउटलाइन बनाने के लिए। तो 17 से 18 मिनट तक आप देखो आउटलाइन हम कैसे बनाते हैं, और उसके बाद फिर अगर कलरिंग देखने का इंटरेस्टेड हो तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन 17 मिनट तक आप देखोगे तो एक आउटलाइन बनाने का जो तरीका होता है वो फ्री हैंड मेथड, वो आप सीख सकोगे। तो मैं अभी फोकस कर रहा हूँ बॉडी का स्ट्रक्चर, कि आउटर स्ट्रक्चर कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक रैंडम सा बनाऊंगा, ठीक है, हल्का हल्का, ताकि लगे कि नहीं इस ढांचे का, इस आकार का है। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा डिटेलिंग ऐड करेंगे आउटलाइन में, उसके बाद फिर हम कलरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, आप 17 से 18 मिनट तक वीडियो को देखो, उसके बाद फिर आप वीडियो को थोड़ा स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि कलरिंग में हम ज़्यादा कलर यूज़ नहीं करें, सिर्फ एक स्किन कलर हम यूज़ करने वाले हैं। स्किन कलर हम कैसे बनाते हैं अगर वो जानना चाहते हो तो कमेंट करो, वो भी हम बताएंगे कि हम स्किन कलर सबसे चीपेस्ट कलर पेंसिल से हम कैसे बनाते हैं। ये जो आप कलर पेंसिल आप देख रहे हो स्केच बुक के बगल में, वो डोम्स का कलर पेंसिल है और इसका प्राइस मात्र 50 रुपये है। ये इजीली अवेलेबल होता है कोई भी स्टेशनरी शॉप पे, आप जाके बाय कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये लगेंगे। बहुत ही सस्ता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, कोई भी जो इंटरेस्टेड हो। और इससे आप स्किन कलर बनाते हो तो सेम टू सेम मैच नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कलर का जो कलर का नंबर है वो बहुत ही कम है, मतलब 12 कलर है, ठीक है। और आपको एक बढ़िया सा स्किन बनाने के लिए कई सारे कलर मिला के बनाने पड़ते हैं। एक पीच कलर होता है, पीच कलर इसमें अवेलेबल है ही नहीं, तो इसीलिए हम ऑरेंज कलर और ब्राउन कलर मिक्स करके बनाते हैं, और भी दूसरे कलर ऐड करते हैं। अगर इसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो या हम स्किन कलर कैसे बनाते हैं वो जानना चाहते हो, आप कमेंट करो कि इस पर एक वीडियो बनाओ, मैं बनाऊँगा और आप लोगों के पास शेयर करूँगा। दोस्तों, इस आउटलाइनिंग में हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें शार्प करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है और ये आपको एक अच्छा लुक देता है। कैसे वो मैं बताता हूँ कि कोई अगर हम बी ग्रेड का पेंसिल यूज़ करते हैं, HB और 2B ये सब पेंसिल यूज़ करते हैं, तो कोई कोई पेंसिल डार्क हो जाता है, कोई कोई लाइट हो जाता है, और ये मीडियम में है, ना ही ज़्यादा डार्क होता है ना ही ज़्यादा लाइट होता है, आपको परफेक्ट दिख रहा होगा जैसा हम बना रहे हैं, जैसा मेरा स्केच बुक पे हम ड्रॉ कर रहे हैं वैसा आपको परफेक्ट दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसीलिए हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। आपके पास जो भी पेंसिल अवेलेबल हो वो भी यूज़ कर सकते हो, और नॉर्मल पेंसिल भी अवेलेबल हो तो वो भी यूज़ कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन मुझे वीडियो बनाना रहता है, वीडियो में अच्छा कैसे दिखेगा और मेरे लिए भी क्या कम्फर्टेबल रहेगा, इसीलिए ये हम मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। मैकेनिकल पेंसिल का साइज़ आप जानना चाहोगे तो मैं बता देता हूँ, ये 0.7 mm का है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम आते हैं स्केच के ऊपर और आउटलाइन के ऊपर। 17 से 18 मिनट तक आपको देखना है ये वीडियो, और हम थोड़ी देर बाद म्यूज़िक ऐड कर देंगे ताकि आप बोर ना हो, ठीक है। सीखना है तो बोरिंग का थोड़ा सा सामना करना पड़ेगा, और ये जो हम बना रहे हैं वो फ्री हैंड मेथड से बना रहे हैं। हम बहुत सारे मेथड का यूज़ करते हैं स्केचेस बनाने के लिए, ड्राइंग बनाने के लिए, लेकिन स्पेशली अगर रैंडमली बनाना रहता है जिसमें हमको कुछ मैच नहीं कराना रहता है, सेम टू सेम साइज़ का मैटर नहीं करता है, तो हम फ्री हैंड मेथड का यूज़ करते हैं। ये
सबसे पहले हम ढांचा बनाएंगे, ढांचा बनाने के बाद भी उसमें डिटेलिंग ऐड करेंगे, डिटेलिंग ऐड करने के बाद भी उसमें कलरिंग करेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे जाना चाहते हो इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हो बाय द सर्चिंग सेम नेम, सेम नाम आप सर्च करके मेरे इंस्टाग्राम पे आप जा सकते हो। ठीक है दोस्तों, 17-18 मिनट के बाद फिर आप जैसा मन करे, शेयर करने का मन करे, अच्छा लगे लाइक कमेंट करने का मन करे वो भी कर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सीखना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हमको बनाने में इसको तकरीबन आउटलाइन, जिसे हम बताए कि 17 से 18 मिनट लगा आउटलाइन बनाने के लिए, कलरिंग करने में तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक नहीं दो नहीं चार पांच कलर यूज़ करके एक कलर बनाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन क्या है वो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर देता हूँ और लास्ट में हम कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आउटलाइन बनाने के बाद भी कुछ ऐसे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, वरना ड्राइंग ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए और लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दोस्तों, यहाँ जो आउटलाइन है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसमें कलरिंग ऐड करूँगा, कलर पेंसिल से बनाऊँगा। तो इसमें थोड़ा सा एक प्रोसेस है, जैसा कि हम नेडेबल इरेजर से जो डार्क डार्क दिख रहा है ग्रेफाइट, हम उसको इरेज करेंगे। इरेजर इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इरेजर यूज़ करोगे तो पूरा का पूरा मिट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आउटलाइन हम बनाए कहाँ थे। तो इसीलिए हम नेडेबल इरेजर का यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हो, एकदम पूरा लाइट हो गया है, मुझे पूरा क्लियर दिख रहा है बनाते समय। लेकिन अगर आपको वीडियो में थोड़ा नहीं दिख रहा होगा तो आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा जो उसका मेगापिक्सल है उसको बढ़ाइए, आपको क्लियर दिखेगा। क्लियर मैंने रिकॉर्डिंग किया, क्लियर आपको भी दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्किन से। स्किन में हम कलर जो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो ऑरेंज कलर है। क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब हम स्किन बनाते हैं तो हम पीच कलर यूज़ करते हैं, ब्राउन कलर यूज़ करते हैं, लेकिन जो मेरे पास अभी अवेलेबल है कलर पेंसिल, उसमें पीच कलर है नहीं। तो
इसीलिए हम सबसे पहले ब्राउन यूज़ करेंगे, फिर येलो यूज़ करेंगे, उसके बाद फिर मैं ऑरेंज कलर यूज़ करूँगा। तो ये तीन कलर हम यूज़ करते हैं, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, और कहीं कहीं थोड़ा और डार्क करना है तो हम हल्का सा ग्रे कलर या फिर ब्लैक कलर यूज़ कर देते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा पूरा सेम टू सेम मैच हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा प्रोसेस फास्ट करते हैं। स्किन कलर कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब स्टार्ट जो हम करेंगे कलरिंग का वो हेयर से करेंगे, उसके बाद फिर सारा का सारा डिटेल करेंगे। कुछ पार्ट तक आप इस वीडियो में देख सकते हैं, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे, ठीक है। तो इस कलर का हम थोड़ा सा एक बात और बता देते हैं कि ये कलर जितना आप डार्क चाहते हो ना, जैसे हमको स्किन कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क करना है, ठीक है, तो वो डार्क भी नहीं होता है। तो ये कलर का ये खासियत है या कमी है वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट करते हैं ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और सीख कम टाइम में आप अच्छा रिजल्ट दे सको, सीख सको, ठीक है। तो चलिए थोड़ा वीडियो को फास्ट करते हैं।
आई होप दोस्तों वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, और ये जो मुझे टाइम लगा बनाने में तकरीबन 1 घंटा लगा, ठीक है, इसको बनाने में। और इसमें मेरा जो पर्पस था वो बॉडी का स्ट्रक्चर आउटलाइन बनाना था, और मैं खुद अभी स्किन कलर सीख रहा हूँ स्किन कलर बनाने के लिए, तो इसीलिए मैंने सिर्फ बॉडी पे फोकस किया, स्किन पे फोकस किया, ठीक है। तो आगे के ऐसे वीडियो में हम स्किन कलर और भी कई सारे कलर्स हम बनाना सीखेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जो अगला पार्ट आप देखोगे वो भी आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अगला पार्ट जो होगा वो इस पर हम सेकेंड लेयर चढ़ाएंगे। ये जो आप देख रहे हो फर्स्ट लेयर है, सेकेंड लेयर हम इसी पे चढ़ाएंगे ताकि आप और भी एक अच्छा लुक दे सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करके जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरीज हो, आप मुझे वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट अच्छे से ट्यूटोरियल के साथ में। थैंक यू सो मच, आई होप आपने वीडियो को इंजॉय किया होगा, और सीखना है तो टाइम देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।